रेत माफियाओं से रिश्वत ले रहा पुलिस आरक्षक लाइन अटैच। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो अलग अलग वीडियो में पुलिस के जवान रेत माफियाओं से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये दोनों ही वीडियो आम लोगों के द्वारा खूब देखे जा रहे हैं। क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को लेकर स्थानीय प्रशासन व पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगातार लगते रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वीडियो में यह स्पष्ट हो गया कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के जवानों के संबंध रेत माफियाओं के साथ बने हुए है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए दो अलग वीडियो में नसरुल्लागंज थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ रामजी परिहार स्पष्ट रूप से रेत माफिया से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे अन्य वीडियो में एसडीएम नसरुल्लागंज के साथ रहने वाले होमगार्ड के सैनिक विजय यादव रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रशासन की कार्यवाही से रेत माफियाओं तक उनकी खबर आसानी से पहुंच जाती थी और प्रशासन के बीच में ही उनके कर्मचारियों के द्वारा रेत माफियाओं के पास खबरों को पहुंचा दिया जाता था। इस मामले में रेत माफिया से रिश्वत लेते हुए वायरल हो रहे वीडियो के आरक्षक रामजी परिहार को लाइन अटैच किया है। वहीं सीहोर एडिशनल एसपी द्वारा बताया गया होमगार्ड के सैनिक विजय यादव की जानकारी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को दी गई है और कार्यवाही के लिए लिखा गया है। जांच सही पाए जाने पर दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नसरुल्लागंज पवन माहेश्वरी। और जैसे ही ये जानकारी मिली कि सार्वजनिक रूप से इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ है, इस पर संज्ञान लेते हुए हमने जो पुलिस जो हमारे कर्मचारी हैं उनको इंक्वायरी होने तक पुलिस लाइन अटैच किया है। इसी तरह से जो सैनिक जिसका उसमें चेहरा दिख रहा है उसे आइडेंटिफाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को यह निर्देशित किया गया है कि वो उसे भी वापस बुला लें और इसकी पूरी इंक्वायरी होने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की।